मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने विधानसभा क्षेत्र नसरुल्लागंज पहुंचे, जहां पर उन्होंने करीब एक दर्जन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों का हाल जाना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने विधानसभा क्षेत्र नसरुल्लागंज में शाम को स्वामी विवेकानंद कॉलेज प्रांगण में बने हेलीपैड पर पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। नसरुल्लागंज क्षेत्र के ग्राम नीलकंठ पहुंचे और नाव द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों का हालचाल जाना। देर रात तक अपना विधानसभा के दौरे पर रहे और प्रशासन द्वारा हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। वहीं से ग्राम मंडी पहुंचकर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना के बाद सोयाबीन की फसल खराब हुई, उसके बाद अतिवृष्टि से जो आपदा आई है, इसमें सबसे अच्छी बात यह रही कि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। अब मुआवजे की भरपाई के लिए किसी को भी आवेदन देने की जरूरत नहीं है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद नुकसान का घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा, जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाएगी। किसानों की जो सोयाबीन खराब हुए हैं उनका बीमा दिया जाएगा, राहत राशि भी देने की कोशिश करेंगे और अभी 6 तारीख को 20 लाख किसानों के खातों में बीमा की राशि भी डाली जाएगी। इस आपदा की घड़ी में डरने की जरूरत नहीं है, शासन हर संभव मदद करेगा। देखिए आज की आवाज न्यूज के साथ नसरुल्लागंज से संतोष मीना की खास रिपोर्ट। प्रणबदा नहीं रहे, वो भारतीय राजनीति के आजाद शत्रु थे, पहले आजादी की लड़ाई और उसके बाद आजादी के प्राप्त होने के बाद से देश में सरकारों में भी विभिन्न पदों पर रहकर उन्होंने अपने देश की अतुलनीय सेवा की है और उनका काम जो मंत्रालय उन्होंने संभाला अद्वितीय रहा है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, उद्भट विद्वान थे और जब मनमोहन सिंह जी की भी सरकार थी तो कोई संकट आता था तो समाधान सुझाने वाले एक ही व्यक्ति होते थे, प्रणब मुखर्जी। वो दलगत राजनीति से भी ऊपर थे, हमेशा उन्होंने दल से बड़ा देश माना और मुख्यमंत्री के नाते जब वो वित्त मंत्री थे, मैंने देखा वो कांग्रेस भाजपा का अंतर नहीं किया। मध्यप्रदेश संकट में आया, मैंने मांग की, उन्होंने मांग पूरी की। ऐसे प्रणब दा की अतुलनीय सेवाओं के लिए उनको भारत रत्न सम्मानित किया गया है। ऐसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति जिनने राष्ट्रपति के पद की गरिमा बढ़ाई, जिस ढंग से उन्होंने काम किया देश गौरवान्वित, ऐसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी प्रणब दा के स्वर्गवास पर 7 दिन का राजकीय शोक रखा जाएगा, झंडे आधे झुके रहेंगे। मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता उनके चरणों में श्रद्धा से प्रणाम।